अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को पढ़ाया था और आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को स्टडी करेंगे, जिसे ओजाइव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं ओजाइव यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो ये दो तरह से बनते हैं। एक हमारे पास लेस देन और एक हमारे पास मोर देन। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मौजूद है जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लेस देन किस तरह से बनता है। लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायर है? पहले रिक्वायर है हमें अपर क्लास बाउंड्री और फिर हमने बनाना है लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री निकालते हैं, जिसे मैं पहले निकालना बता चुका हूँ कि किस तरह से निकालते हैं। एक बार फिर उसे देखते हैं। यहाँ पर आप 0.5 लेस करेंगे और यहाँ 0.5 ऐड करेंगे। 5 में 0.5 लेस कर दें तो आपके पास 4.5 आ जाएगा। 7 में 0.5 लेस कर दें आपके पास 7.5 आ जाएगा। 8 में 0.5 लेस कर दें आपके पास 7.5। 10 में 0.5 ऐड कर दें आपके पास 10.5। 11 में 0.5 लेस कर दें तो आपके पास 10.5। 13 में 0.5 ऐड कर दें आपके पास 13.5। 14 में 0.5 लेस कर दें आपके पास 13.5। और 16 में 0.5 ऐड कर दें आपके पास 16.5। ये आपने क्लास बाउंड्री बना ली। हम पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी हमने लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी ओजाइव बनाना है, जिसके लिए हमें चाहिए अपर क्लास बाउंड्री। तो जब मैं लेस देन बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लेस देन, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पहले अपर क्लास बाउंड्री चाहिए और फिर लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो चलिए ये दोनों निकालते हैं। क्लास बाउंड्री आपके पास ये मौजूद है। अब इसमें अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये वाले जितनी भी फिगर्स हैं ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है, यानी यहाँ आपके पास 4.5, 7.5, 10.5, 13.5 और ये 16.5। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो आप लाजमी देखिएगा, उससे मैंने बताया है। और यहाँ पर भी निकाल देते हैं। देखिए लेस देन निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास 9। 9 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 11। 11 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें अपर क्लास बाउंड्री चाहिए थी और लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, जो कि हमने बना लिए। चलिए अब उसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पर आपने रखना है अपर क्लास बाउंड्री को, आपने यहाँ लिखा अपर क्लास बाउंड्री और यहाँ लिख दिया 0। अपर क्लास बाउंड्री आपके पास स्टार्ट हो रही है 4.5 से। आपने स्केल से मेजर करते हुए इक्वल डिस्टेंस रखना है। पहले मैं रखा 4.5, देन आपके पास 7.5, देन 10.5, देन 13.5, देन 16.5। याद रखिएगा ये जो आपका डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आप स्केल पर खुद भी इसे मेजर कर सकते हैं, बस याद रखना डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान और सबके दरमियान जो आपने डिस्टेंस रखना है वो सेम हो। और यहाँ पर हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 0। फिर हमने स्टार्ट किया, हमने कहा दो दो के गैप से बना लेते हैं, चलें 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10 और 12। जब मेरे पास 4.5 अपर क्लास बाउंड्री थी तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन थी 1, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया। जब अपर क्लास बाउंड्री 7.5 थी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी थी 4, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया।
जब अपर क्लास बाउंड्री 10.5 थी, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी थी 9, और मैंने ऐसे स्केल नहीं है मेरे पास, तो मैं ज़रा मेजर कर रहा हूँ कि भाई कहाँ लगना चाहिए, और मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। देन आपके पास 13.5 है अपर क्लास बाउंड्री, और उसके आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 11 है, तो आपने कहा 13.5 और ये 11, यहाँ पर एक डॉट लगाया, और 16.5 पर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 12 है। आपने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, और अब आपने करना क्या है कि इन तमाम डॉट्स को एक लाइन से इस तरह कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी के ओजाइव लेस देन बन गया। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमें चाहिए कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मोर देन का ग्राफ हमने बनाना है, जिसके लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए और मोर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी चाहिए। चलिए ड्रॉ करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। मिट गया ना। तो अब आपने कहा मोर देन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री, आपने कहा लोअर क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 1.5 से, देन 4.5, 7.5, 10.5 और 13.5। देन आपके पास आपको कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी चाहिए मोर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका बहुत आसान है। आप ये टोटल कर लें इस फ्रिक्वेंसी का, जो कि आपके पास 12 आ रही है। आपने स्टार्ट करना है यहाँ पर हाईएस्ट से, जो कि 12 है, और 12 में आपने एक माइनस किया, यानी ये वाली फ्रिक्वेंसी माइनस की 11 में 3 माइनस किया आपने, आपके पास 8 में 5 माइनस किया आपके पास 3, और 3 में 2 माइनस किया आपके पास 1। दोबारा एक्सप्लेन करूं, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो आपने यहाँ रखी 12 में 1 माइनस किया 11 में 3 माइनस किया 8 में 5 माइनस किया 3 में 2 माइनस किया 1। तो आप देख सकते हैं आपने इसे भी ड्रॉ किया। चलिए अब हमारे पास मोर देन बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, वो हमने मालूम कर ली हैं, दैट मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मोर देन। अभी से ही हम इसकी मदद से यहाँ पर ओजाइव को ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा LCB, दैट मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, ये एक्स ये वाई, यहाँ पर हमने लिखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। स्टार्ट करेंगे 0। अब लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1.5 से, हमने यहाँ लिखा 1.5, देन 4.5 के बाद आपके पास है 7.5 के बाद आपके पास है 10.5, और 10.5 के बाद आपके पास है 13.5। ये आपने लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर बना ली। अब आपको कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी चाहिए, जो कि स्टार्ट हो रही है 12, 11, 8, 3, 1 से। डेफिनेटली आप 0 के बाद 12 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ आप दोबारा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आपने यहाँ लिखा। अब आप देखें 1.5 पे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 12 आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ डॉट लगा दिया कि भाई 1.5 पे जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी थी वो 12 थी। देन इसके बाद 4.5 पे 11, आपने फिर यहाँ 4.5 से मेजर करना है और यहाँ 11 पर एक डॉट लगा देना है इसकी फ्रिक्वेंसी को देखते हुए। देन 7.5 पर 8,
देन इसके बाद आपके पास 10.5/3 और 13.5/1। अब आपने इन डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करना है और ये आपके पास बन गया कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी के ओजाइव मोर देन। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसे हमने सॉल्व किया, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे ख़ास बात, फेसबुक पर हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक कीजिएगा, हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करके हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखते हुए पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। Till then, Allah Hafiz.